हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और ये है साइप्रस वाइन, गणेश बेल बोलते हैं इसे। और ये मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है। मैं जब होम टाउन से लेके आई थी तब लोगों से शेयर भी किया था कि इसके सीड मैं लेके आई हूँ। और जहाँ जहाँ जितने भी सीड बिखेरे उतने ही ये ग्रो हो गए। कुछ तो इतने ऊँचे चले गए, इतने घने हो गए हैं कि पूछिए मत। मैं उनका अपडेट दूँगी। ये पड़ोसी के यहाँ जाके वहाँ खिल रहे हैं और ये मैंने गमले में लगाया हुआ, देख ही सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है। तो मैं इसके केयर टिप्स वगैरह नेचर अराउंड में शेयर करूँगी, तो आप वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके सीड ग्रो करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो इसका बेस्ट टाइम जुलाई महीना है। जुलाई ये में इसका सीड ग्रो कर लीजिएगा। जुलाई आते आते ये अगस्त तक बहुत अच्छा बेल बन जाता है, फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और कुछ प्लांट के मुझे गिफ्ट भी मिले हैं, और ये सरिता जी ने मुझे गिफ्ट दिया था। एक्चुअली वो तो घर उनको पता नहीं था, लेकिन कभी कभी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करती हूँ, गिफ्ट आते हैं तो उसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ था। तो वहाँ से देख के वो ढूंढते ढूंढते गेट के नीचे रख गई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि मैम आपके लिए कुछ गिफ्ट है। तो ये भी शेयर करूँगी कौन कौन से उन्होंने मुझे प्लांट के गिफ्ट भेजे हैं। गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, बहुत खूबसूरत, स्पेशली प्लांट के लिए। तो एक प्लांट लवर के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। और कुछ तो ऐसे ही ऐसे प्लांट हैं जो कि मेरे विश लिस्ट के थे। तो थैंक यू सो मच सरिता जी। और कुछ ऑनलाइन मैंने कुछ फर्टिलाइजर की शॉपिंग भी की है, वो भी शेयर करूँगी। ये ज़रूर अभी बारिशों के टाइम में ये चीज़ रखिएगा। बारिशों के टाइम में क्या, हमेशा रखिएगा। जब भी पॉटिंग मिक्सचर बनाइएगा तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं इसका यूज करती हूँ, ये ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है। और कुछ मैंने बहुत रेयर खूबसूरत प्लांट की शॉपिंग की है, तो प्राइस के साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत दिनों से विश लिस्ट में था, लेकिन हाँ, एक प्लांट लवर कभी ना कभी वो प्लांट ले ही लेता है। थोड़े थोड़े पैसे मैंने कलेक्ट करके अपने विश लिस्ट के प्लांट कुछ लिए हैं, तो वो भी मैं एक एक करके शेयर करूँगी। तो प्लांट की क्या प्राइस है, कहाँ से मैंने लिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। और आप भी कहाँ से इन प्लांटों को ले सकते हैं, चीप एंड बेस्ट प्लांट कहाँ से ले आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि प्लांट कहाँ से और किस तरह से मिलेंगे। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे विश लिस्ट का प्लांट है डबल मधुमालती, और ये देख ही सकते हैं गुच्छों में फूल आते हैं। और छोटे से ये प्लांट है, ज़्यादा ये भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन हाँ बुशी प्लांट है ये। ये कलकत्ते वाली वेराइटी है, देख ही सकते हैं। और ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तो मुझे कपड़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करना, ज़्यादा कॉस्टली खर्च करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ प्लांट पर मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा के वो विशलिस के प्लांट मैं ले ही लेती हूँ। और इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है, बहुत लोग बोलते हैं इसकी कटिंग भी लग जाती है, देख ही सकते हैं बहुत सुंदर है, खुशबू भी बहुत अच्छा है इसका। और ये अक्सर आते ही रहता है नर्सरियों में। अगर आपको ये लेना है तो हमेशा ये रामराज नर्सरी मयूर बिहार में जो है, और कमलेश नर्सरी प्रिया नर्सरी की है, ये प्लांट आते रहते हैं अक्सर। और कलकत्ते वाले भी आती है, पुणे वाले भी है, तो मुझे कलकत्ते वाली चाहिए थी। और देखिए ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है, 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और इसमें जो देखिए ये बहुत चिकनी मिट्टी है, इस मिट्टी को भी चेंज करूँगी मैं, लेकिन हाँ रेड वाली मिट्टी से कुछ ज़्यादा थोड़ा ये अच्छा होता है, उससे बेटर होता है। और ये डंडियों से लगा हुआ है, और उन्होंने ऐसे लगाया है डंडियों पर कि बिल्कुल राउंड शेप हो गया है, और जितनी ब्रांचेज निकली है सभी में भर भर के फूल आ रहे हैं। तो अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है क्योंकि मुझे घर शिफ्ट करना है, मैंने दूसरा घर लिया है, छत वाला स्पेशली प्लांट के लिए लिया है, तो वहाँ जाके मैं उसे रिपोर्ट करूँगी। और ये देखिए ये डेविड बेकिया की वेराइटी है, और ये मैं 100 रुपीज़ में ली। और ये मैंने दोनों प्लांट ये मैंने कमलेश नर्सरी के यहाँ से लिया है, इसकी भी मिट्टी बहुत अच्छी है। तो ये भी ब्लैक सॉइल में लगी हुई है, इसकी भी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत है, नीचे से बहुत सारा बेबी प्लांट भी निकल रहा है, तो देखने में अच्छा लगा। लगा हुआ पॉट में नॉर्मल गार्डन सॉइल में 100 रुपीज़ में मुझे मिला, तो मैंने ले लिया। तो जो प्लांट अच्छा लगता है तो कभी कभी मैं ले लेती हूँ। बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, और ईजी टू केयर प्लांट है। उसके बाद देखिए ये मैंने पाम लिया, एरिका पाम। और इस बार गर्मियों में मेरे एक पाम ठीक थे, और जो रेड सॉइल में लगा हुआ था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने ये पॉट में लगा हुआ 80 रुपीज़ में पर्यावरण नर्सरी से लिया। और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है, और एक साथ 2-3 प्लांट निकला हुआ, तो मैंने सोचा कि ना लगा हुआ प्लांट है तो ले लेती हूँ डेकोरेटिव पॉट में, इसको रख दूँगी, सुंदर लगेगा। और एक और पाम लिया,
ये पाम देख ही सकते हैं, इसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी है, दो तीन ब्रांचेज वाला है। तो ये पाम मैंने किस लिए लिया मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब वो पाम लेके गई मैं उधर रामनगर नर्सरी साइड में, तो उन्होंने कहा कि दोनों पाम में अंतर है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है, जो ग्रीन देखे ग्रीन जिसके डंडल होती है ब्रांच होती है, और जिसके थोड़े से पीले कलर के होते हैं वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो पहली बार ये मुझे मालूम चला कि ये भी अंतर होता है, तो आप भी जब देख के लीजिएगा, पीली डंडी वाला ज़्यादा दिन चलेगा और जो ग्रीन वाली कम चलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर को बता देती हूँ कि ये पाम में ये अंतर होता है। बहुत लोगों के पाम ख़राब हो जाते हैं, है तो इजी टू ग्रो प्लांट, जब एक बार लग जाता है तो फिर इसके नीचे से इतने बेबी प्लांट निकलते हैं कि एकदम जंगल सा बन जाता है। लेकिन हाँ, कोई कोई लोगों से नहीं लगता है, तो प्लांट के वेराइटी पर भी डिपेंड करता है, जो कि मेरे जैसे लोग भी ये पाम नहीं लगा पाते हैं। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे नर्सरी वाले भैया ने दिया, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले हमें सीखने को मिलता है उन सब चीज़ों से। और ये पान का प्लांट है, बहुत दिनों से मैं प्लांट का प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन ये रेड सॉइल में आ रहा था तो मैंने नहीं लगाया। पहले भी था पान का प्लांट, बहुत अच्छा बूशी प्लांट था, लेकिन होम टाउन जाने से पहले वो मर गया, दो तीन साल पहले की बात है। और ये मुझे 40 रुपीज़ में पर्यावरण नर्सरी से मिल गया, नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है, तो एक ही ब्रांच का, लेकिन अभी जैसा कि मौसम अच्छा चल रहा है तो बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ होगा, तो मैंने ले लिया कि ये मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता है। छोटे छोटे कटिंग करके मैं बहुत सारा प्लांट तैयार कर लूँगी, और अच्छी ग्रोथ भी हो गई है, मैंने लगाया है और 10-15 दिन में इतनी सुपर फास्ट ग्रो हुई है कि पूछिए मत। बहुत सुप प्लांट इसे मानते हैं, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। पान का प्लांट इस समय नर्सरी में बहुत सारा आया हुआ, आप ले सकते हैं। और देखिए, बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट में ये कलाडियम थे, और होम टाउन से भी मैंने बहुत सारा कलाडियम लेके आई थी, दो तीन वेराइटी लेके आई थी, और एक वेराइटी पहले से भी थी मेरे पास। तो ये मेरे विश लिस्ट का प्लांट है, और ये इसकी पत्तियाँ देख ही सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात, जैसे देसी क्लाडियम की केयर होती है, उसी तरह इसकी भी केयर होती है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये कलर वाला, आप बहुत आँख बंद कर भी ले सकती है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, क्योंकि मैं इसकी ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ जो ये पीछे वाला ये मैरून कलर वाला क्लाडियम है, ये थोड़ा नखरीला होता है, यानी इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। तो जैसा कि बारिश हो रहा है, 3-4 दिन से बारिश हो ही रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी स्विच ऑफ करना ही भूल गए हैं बारिश का बटन, तो वही है। और ये जो मेरी सरिता जी गिफ्ट लेके आई थी, तो उन्होंने पूरा वीडियो देखा है कि कौन सा प्लांट मेरे पास है कौन सा नहीं है, वही वही चीज़ लेके आई। और ये अलमंडा की कटिंग है, तो अलमंडा भी मेरे पास नहीं है, और ये फिलोडेंड्रॉन भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे व्यूअर को मतलब इतना प्यार देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना, कि किसी के पास आजकल टाइम नहीं रहता है, लेकिन टाइम निकाल के उन्होंने देखा कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट हैं कौन कौन से नहीं है, और उन्होंने वो सारे प्लांट मेरे लिए कुछ परचेज करके भी ले किए हैं, और कुछ अपने गार्डन से कटिंग भी मुझे दिया है। तो इस पे गेरेस है, ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी मेरे ख़राब हो गए थे, और ये भी नहीं है, इसका नाम बताइएगा मैं भूल गई हूँ ये। और ये तो चेन प्लांट है, तो मैंने वीडियो में बोला था कि गांव जाने से मेरे चेन प्लांट सारे ख़राब हो गए, तो ये चेन प्लांट भी उन्होंने दिया। तो एक एक चीज़ उन्होंने सुन के वीडियो देख के कि कौन से प्लांट मेरे पास है कौन से नहीं है, वो सारे प्लांट उन्होंने वो मेरे लिए लेके आई। और ये मोनेस्ट्रा की इन्होंने बेबी प्लांट दिए हुए हैं, तो मोनेस्ट्रा हो या ब्रोकन हार्ट हो, जब तक मेच्योर उसके प्लांट नहीं बनते तब तक उनके पत्तियों में कट नहीं आते हैं। तो उन्होंने मोनेस्ट्रा के मेरे ख्याल से 2-3 बेबी प्लांट दिए हुए हैं, जड़ के साथ है, रूट के साथ है। ये वॉल्विन जू है, बहुत सुंदर लगता है, मेरा फेवरेट था, गर्मियों में ये भी मर गया था, तो ये भी दी है। देखिए, ये भी मोनेस्ट्रा की एक कटिंग है, तो 2-3 कटिंग नहीं, रूट के साथ है, रूट के साथ है। तो वॉल्विन जू मैं बहुत दिनों से विशलिस्ट ढूंढ रही थी, तो वो भी मेरे विशलिस्ट का प्लांट है। और इन्होंने रियो बोट लिली प्लांट बोलते हैं, बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट हुए, छोटे पॉट में लगा सकते हैं, हालांकि ये था, लेकिन कोई नहीं, थैंक यू सो मच। और वॉल्विन जू और ये चेन प्लांट के लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू सरिता जी, क्योंकि ये मेरे विशलिस्ट के प्लांट हैं, और पहले थे चेन प्लांट, लेकिन वो ख़राब तो नहीं होंगे, जो पानी दे रही थी वो भी अपने प्लांट के शौकीन ने उठा के ले गई होगी, बहुत भरा हुआ प्लांट था। और ये फिलोडेंड्रॉन भी मेरे पास नहीं था, बहुत हेल्दी कटिंग है, तो इस बारिश में बहुत अच्छी तरह से ये भी ग्रो हो जाएंगे।
तो ये बहुत खूबसूरत ये सारे प्लांट हैं। तो थैंक यू सो मच सरिता जी इन खूबसूरत पौधों को देने के लिए। और ये येलो 4 o'clock है, तो बहुत लोग मुझसे पूछे कि मैम येलो 4 o'clock और वाइट खिला की नहीं, मुझे सीड दीजिएगा। तो सीड बढ़ेगा तो ज़रूर देंगे। तो देखिए येलो फुल खिल गया है, कटिंग से भी मैंने ग्रो किया हुआ, कटिंग से भी बहुत इजी से लगा सकते हैं। और ये सवाना जी जो मुझे पिंक दी थी, पिंक 4 o'clock, वो उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। उन्होंने बहुत सारा प्लांट दिया था, बहुत खूबसूरत डार्क मजेंडा कलर में है और अच्छी खुशबू भी आती है इसमें। तो इसके कोई भी कलर मिले तो ज़रूर लगाइएगा। और ये सीड से ग्रो हुआ मेरा डबल अपराजिता है, अपराजिता के मैं पिंक वाइट और ब्लू लेके आई थी, कुछ सिंगल भी ब्लू थे तो फट के एक साथ मिल गए थे। तो मेरे नसीब में यही डबल पेटल ब्लू था और मैं पिंक का वेट कर रही थी। वैसे तो बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए, तो देखें जिसको जिसको मिले किसको बताइएगा किसको पिंक वाला मिला कि नहीं हुआ, जिसको सीड दिए होंगे और सिंगल भी मिक्स थे। तो देखिए मेरी हिबिस्कस कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, कलियों से भरा हुआ है, रोज़ इसमें 5-6 फूल खिलते हैं और मात्र ये 6 inch के पॉट में लगा हुआ है। तो मिट्टी बना रही थी मैं, तो ये कुछ मैं अमेजन से मंगाई हुई हूँ, मैं अक्सर मंगाती रहती हूँ, कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मिट्टी में मिक्स करके ही यूज करती हूँ। ये टाइकोडर्मा है, ये मिट्टी में फंगस हुआ और कीड़े उड़े हुए तो उसे लगने से बचाता है। तो अगर आप न्यू है, बिगनर है, तो मिट्टी में इसको ज़रूर लगाइएगा। फंगस को 99% हद तक तो रोकता ही है, फंगस अगर लगना रहता तो लग ही जाता, लेकिन ये कुछ हद तक तो रोकता ही है। तो टाइकोडर्मा आप, ये मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ है, आप सर्च कीजिएगा पैकेट के अनुसार उसकी प्राइस है, तो बहुत सारा कंपनी का है ये, मैं कोई पेड प्रमोशन, तो आप भी इसे मंगा सकते हैं। इसे मिट्टी में ज़रूर लगाइएगा, मिला के ज़रूर लगाइएगा, और ये बहुत अच्छा चीज़ है और सभी जगह ये मिल जाते हैं, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर ये मिल जाते थे, ये भी मैं मंगाई। थैंक यू।